मसाले पकौड़ा। मेरे ख्याल है कि हम लोगों को सारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत प्राउड होना चाहिए कि आज हम लोग सब मिलके यहाँ पे दादा साहब फाल्के को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दादा साहब फाल्के के बारे में कोई नई बात तो है नहीं, ही इज़ द फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज नो डाउट। और बड़ा कुछ किया है और जितनी फिल्में बनी हैं उसके बाद मेरे ख्याल है कि हर प्रोड्यूसर को रादर अपनी फिल्म का मुहूर्त करने से पहले इनका नाम जरूर लेना चाहिए। मैं लोगों के लिए, सबके लिए शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस ओकेजन को एक बार के लिए फिर से ज़िंदगी देने की कोशिश की, नई रोशनी दी। एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली टू आवर एकेडमी एंड द फिल्म सिटी, एवरीबॉडी आई विल से, ताकि इनका जो एक नाम धीरे 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 लोगों ने भूलने विसरने की एक रह गई थी गलती से, चाहे हमारी इंडस्ट्री किसी को भूलती नहीं है, ना ही हम भूलते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हमें दोबारा दोबारा रिमाइंड कराना पड़ता है। जिसने इतना बड़ा उद्योग दिया, जो इतना बड़ा प्रोफेशन दिया, कितने घरों के चूल्हों जलाए, उस आदमी को हम कैसे भूल सकते हैं, लाइक ए फादर ऑफ सिनेमा एंड कितने घरों का वो पिता। नहीं, दादा साहब फाल्के इतने सम्मानित व्यक्ति है, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी, हम लोग पुष्पमाला डाल के उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये पूरे इंडस्ट्री के लिए, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी मतलब हस्ती है। आज मुझे बहुत गर्व की बात है कि आज बहुत अच्छी तरह से यहाँ 62nd मेमोरियल जो मना रहे हैं हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ कहाँ भी दादा हो गए उन्हें भी अच्छा लगता होगा। एक रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि ये जल्द से जल्द उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। 103 से 104 साल हो गए और अच्छी ट्रिब्यूट उनको हो नहीं सकती। I would say that of course for Dada Saheb Phalke, it's an honor to be here first of all, and I come here every year. मैं पिछले साल भी आई थी। I think he being the father of Indian cinema, I think it's always an honor to come and be a part of such an event. So yes. आज के दिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि दादा साहब फाल्के हमारी इंडस्ट्री के जनकदाता हैं, और उन्होंने जो सपना देखा था वो आज मुझे लगता है उस सपने से भी आगे हमारी इंडस्ट्री जा चुकी है और जा रही है। या कई लोग नहीं होते हैं मुंबई में, तो अब हम हर एक के लिए ऐसा नहीं बोल सकते लोग नहीं आते, लेकिन दिल से तो हर आदमी चाहता है कि दादा साहब फाल्के को एक नमन करें और उनकी इज्जत करें। सिने पकौड़ा।